Hello everyone. Good afternoon. I am Krishna Gore. I am lecturer in Aditya Silvarov. Today I am going to teach you one of the most important topic in software engineering. There are the agenda of software engineering. What is software testing. Second types of software testing. Third phase of software testing and fourth, different level of software testing. First, what is software testing? A software testing is an important process in the software development lifecycle. It involves verifying and validating that the software application is free of bugs, meets the technical requirements set by its design and development, and सेटिस्फाई यूज़र रिक्वायरमेंट एंड इफेक्टिवली। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है ये सीखेंगे हम इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इसमें हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को अच्छे से टेस्ट करेंगे कहीं कोई वक्त छूट नहीं जाता या तो कोई प्रॉब्लम या एर रह नहीं जाता उसके लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए जो हम अच्छे से यूज कर सके या किसी को अच्छे से हेल्प कर सके देन वी हैव समथिंग नो अबाउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तो अब इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल

इसमें क्या है कि जो मैन्युअल टेस्टिंग होता है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या है कि जो डेवलपर सॉरी टेस्टर टीम है उसको जरूरत नहीं है कोई कोड फ्लो समझने की या कोई अलग अलग से सॉफ्टवेयर समझने की इसमें हम यूज करेंगे टेस्ट केस क्रिएशन के लिए सिर्फ एक्सेल एक्सेल में हम टेस्ट केस रिपोर्ट बनाते हैं और एक्सेल टेस्ट केस रिपोर्ट के लिए यूज करते हैं

पता होना चाहिए इंटरनल आर्किस्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर और इंटरनल आर्किस्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट तो इसमें जब हम वेबसाइट वो सब बनाते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत कोड की भी जरूरत पड़ेगी और कोई अलग से सॉफ्टवेयर भी यूज करना जरूरी है जैसे कि अभी ऑटोमेशन में बहुत सारे लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं तो सेलेनियम तो सेलेनियम में क्या होता है कि हम मैन्युअली टेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते जो भी फीचर्स फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं, वो हम कोड फ्लो या कोई कोड से फाइंड करते हैं कि कोई बग है या नहीं तो इसमें हम कोई सॉफ्टवेयर की हेल्प लेंगे और कोड की मदद से हम टेस्टिंग सोल्व कर पाएंगे नेक्स्ट थर्ड बॉक्स टेस्टिंग व्हाट इज बॉक्स टेस्टिंग बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसा टेस्टिंग है जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेस्टिंग लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो हमने आगे पढ़ा कि ब्लैक बॉक्स क्या है और व्हाइट बॉक्स क्या है तो व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स का कॉम्बिनेशन है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में अब ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज अ मेथड यू कैन यूज टू डी बस सोफ्टवेयर एंड इवॉल्यूट वेलब्रेटिस तो इसमें क्या होगा कि जो 95 परसेंट तक का यूज करेंगे वो हम ऑटोमेशन के थ्रू टेस्टिंग करेंगे पर जो फाइव परसेंट कुछ बच जाता है उसका टेस्टिंग हम मैन्युअली भी कर सकते हैं तो इसमें हम नाइन परसेंट कोई सेलेनियम जैसे कोई सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे और फाइव परसेंट हम टेस्ट के रिपोर्ट मैन्युअली एक्सेल में कर सकते हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फेज क्या है देर आर फोर फेज ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिस्टम के लिए चार फेज होते हैं जैसे कि हमारी लाइफ है जैसे ह्यूमन लाइफ में भी चार फेज होते हैं एक फेज है बचपन का दूसरा है अम, यंग होते हैं तब का तीसरा है हम टीनेज होते हैं और चौथा है ओल्डर का तो इसमें भी वही है फर्स्ट यूनिट टेस्टिंग है सेकंड फंक्शनल टेस्टिंग है थर्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग है और फोर्थ वाला है रिग्रेशन टेस्टिंग तो यूनिट टेस्टिंग में जैसे मैंने बोला पहले कि वो हम थोड़ा बहुत यूनिटली यूनिट वाइज चेक करते हैं टेस्टिंग जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट टेस्टिंग इज द प्रोसेस वेर यू टेस्ट द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ कोड अब इसमें छोटे से छोटे पार्ट को हम छोटे से छोटे यूनिट को हम टेस्ट करेंगे दिस टेस्टिंग डन बाय डेवलपर ये टेस्टिंग ऑलवेज डेवलपर साइड से डन होता है कंप्लीट होता है फॉर एग्जांपल सर्च बार सर्च बार का हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है जैसे मैं ले रही हूँ कि अभी एमेजोन का दिखा रही हूँ आपको सर्च बार में मैं सर्च कर रही हूँ इधर से तो सर्च बार के सर्च uh, बार के ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो क्लिकेबल है या नहीं उसके बाद उसके ऊपर मैं कोई प्रोडक्ट का नाम ल, लिख रही हूँ तो वो जो प्रोडक्ट हम ऊपर लिख रहे हैं इधर उसके रिलेटेड डेटा आता है कि नहीं वो दिखाता है इसमें मैंने बेबी वाइफ्स लिखा है तो नीचे आ रहा है बेबी वाइफ्स रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होगी वो दिखा रही है तो इसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग कि हमने एक छोटा सा यूनिट सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का टेस्ट किया है then after we have to learn functional testing what is functional testing functional testing ensure that the functions and features of the application work properly ab isme functions bhi work karne chahiye aur wo properly work karne chahiye तो functional testing में हम उसकी एक एक functionality check करते हैं जैसे कि कोई पर कोई भी application होती है तो इसमें क्या होता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशन कुछ सर्च करते तो उसमें फिल्टर की होती है तो फिल्टर एक मॉड्यूल हुआ फिल्टर के हिसाब से हम वो चेक करेंगे तो फिल्टर में जो हम डालेंगे हिस्ट्री तो फिल्टर के हिसाब से हो पा रहा है कि नहीं वो मैं आपको फोन से दिखा रही हूं जैसे कि इधर फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है फिल्टर पे हमने टच किया तो उसकी जो फिल्टर डाले हैं वो दिख रहे हैं आपको तो वो एक फंक्शनैलिटी मैंने चेक की है तो इसमें जो जो मैंने फंक्शनैलिटी सर्च की वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही है तो ये है वन काइंड ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग फॉर फिल्टर इन एमेजोन एप्लीकेशन अब पता चला तो इसमें हम मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग करते हैं कि कोई एक मॉड्यूल को पकड़ते हैं इसमें से हम उसकी फंक्शनलिटी टेस्ट कर रहे हैं कि जैसे कि आ, हमने एमेजोन में देखा कि फिल्टर पकड़ा तो फिल्टर एक मॉड्यूल है पर फिल्टर के अंदर कुछ जो कैटेगरीज डालते हैं और वो सर्च हो के ब्लिंक होती है तो उसको फंक्शनलिटी बोलते हैं तो मॉड्यूल व्हाट्सएप में भी है इधर मैंने में लिखा है कि व्हाट्सएप चैट का जो मॉड्यूल है मैसेज का मॉड्यूल है कॉल का मॉड्यूल है एक्टसेट्रा जो भी आ सकता है इसमें फंक्शनलिटी हमें चेक करनी है फंक्शनल टेस्टिंग में देन आफ्टर वी हैव टू लर्न इंटीग्रेशन टेस्टिंग व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग यू नो अबाउट इंटीग्रेशन टेस्टिंग इधर मैंने दो मॉड्यूल लगाए हैं आपने फिगर में देखा होगा कि मॉड्यूल ए है दूसरी साइड मॉड्यूल बी है उसके बीच से एक एरो निकल रहा है और लिखा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग तो कोई मॉड्यूल ऐसे होते हैं कि इंटरनली इन बिटवीन रिलेटेड या लिंक बनता है तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो आगे में एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ समझाऊंगी integration testing involves checking individual component or unit or software project to expose a defect and problem to verify that they work together as a design developer and tester both team are work in this phase And integration testing. Integration testing में और ये बोत टीम का काम है डेवलपर एंड टेस्टर दोनों साथ मिलकर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं क्योंकि ये डिजिटल टेस्टिंग भी होता है और इसमें वर्क बहुत रेयर होने चाहिए बहुत

Mail, जो लॉग इन पेज है मेल बॉक्स है और डिलीट मेल है वो तीनों इंटरनली लॉजिकली वो कनेक्टेड है वो है तीनों अलग पर इसके बीच में एक लिंक बन रही है जो मैं टेस्ट केस के साथ बताऊंगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा क्या है टेस्ट केस आईडी इट मीन की वन काइंड ऑफ सीरियल नंबर टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस पे हम वर्क कर रहे हैं फॉर पर्पस सॉफ्टवेयर टेस्ट चेक द इंटरफेस लिंक बिटवीन द लॉगिन एंड मेलबॉक्स इधर हम मेलबॉक्स और लॉगिन मॉड्यूल के बीच वाली जो लिंक बनती है उस पे हम चेक करेंगे कि कोई बग है या नहीं उस पे हम टेस्टिंग करेंगे तो इसमें टेस्ट करने के लिए क्या होगा कि हम जब भी मेल ओपन करना है तो ओपन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन क्रेडेंशियल मांगेंगे या तो हमारा मेल एड्रेस मांगेंगे तो इधर जो टेस्ट डिस्क्रिप्शन है उधर हम लिखेंगे एंटर लॉग इन क्रेडेंशियल एंड क्लिक ऑन द लॉग इन बटन क्या करेंगे हम लॉग इन पेज खुलेगा उसके अंदर हम मेल एड्रेस डालेंगे और उसके नीचे हम क्रेडेंशियल डालेंगे उसके बाद लॉग इन बटन होगा तो उस पर क्लिक करेंगे तो लॉग इन हो जाता है तो रिजल्ट इज एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजल्ट इज नॉट एक्सेप्टेड जो देखो ये रिस्पॉन्सिव है रिस्पॉन्स कर रहा है तो जो पेज ओपन होता है टू बी डायरेक्टेड टू द मेल बॉक्स तो डायरेक्ट मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा वरना मेल बॉक्स ओपन नहीं हो गया वही के वही ही पेज ओपन ही रहेगा और कुछ आगे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा सेकेंड मॉड्यूल है चेक द इंटरफेस लिंक बिट्वीन द मेल बॉक्स एंड डिटेल डिलीट मेल मॉड्यूल्स

फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओपन करूंगी मेल बॉक्स इधर कोई एक मेल आया हुआ है फ्रेशर जॉब करके ये मेल को मुझे डिलीट करना है तो पहले मैं ये मेल के ऊपर टच करूंगी फिर देन इधर ड्रॉ किया हुआ है डिलीट वाला तो उसके ऊपर में डिलीट वाले पे टच करूंगी ये टच करने के बाद वो मेल डिलीट हो जाएगा तो ये एक्सेप्टेड है कि हाँ एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिव है वो रिस्पॉन्स करता है मेल डिलीट हो गया ठीक है

बढ़ने नहीं चाहिए बग कम से कम खत्म होने चाहिए और बग इसमें रहने ही नहीं चाहिए वो है रिग्रेशन टेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग में थ्री फेस है रिटेस्ट ऑल मैंने पहले बोला कि रिटेस्ट ऑलरेडी टेस्टेड एरिया तो पूरे मॉड्यूल पूरे एक एक फंक्शनैलिटी सब चेक होता है रिटेस्ट ऑल में रिग्रेशन टेस्टिंग में रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन तो इसमें क्या है कि कोई रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन है इसमें हम हमारे टेस्ट केस रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ से कौन से बग हमने हटाए हैं कहाँ से कौन से बग हमने फाइंड किए हैं प्रायोरिटा ऑफ टेस्ट केस तो इसमें हम जो क्रिटिकल बग है या इम्पेक्टेड बग है या फ्रिक्वेंटली यूज फंक्शनैलिटीज इट मीन कि हम नेक्स्ट वाले अभी बग सॉल्व नहीं हो पाने वाला है तो नेक्स्ट वर्जन आता है या अपडेटेड वर्जन है उसमें हम इसको रिप्लेस करते हैं अभी रिलीज कर देते हैं बाद में इसको हम अपडेट या आ, कुछ ऐड करके दे देंगे तो ये है रिग्रेशन टेस्टिंग देन आफ्टर वी हैव टू लर्न डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग टेस्टिंग अब के भी बहुत सारे लेवल है फर्स्ट यूनिट टेस्टिंग वो मैंने आपको पहले बता दिया सेकेंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो भी एक लेवल ही है उसमें भी मैंने आपको बहुत सारा कुछ बताया फिर है सिस्टम टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग में क्या है कि पूरी सिस्टम टेस्ट होती है सिस्टम टेस्टिंग में हम ऑल ओवर सिस्टम को टेस्ट करके देखते हैं कि सिस्टम स्मूथली प्रॉपरली चल रहा है या नहीं सिस्टम टेस्टिंग में हम बहुत सारा क्राइटेरिया चेक करते हैं देन आफ्टर वी हैव टू लर्न यूजर एक्सेप्टेंसी टेस्टिंग यूजर एक्सेप्टेंसी टेस्टिंग क्या है कि यूजर एक्सेप्टेंसी टेस्टिंग में यूजर के पास स्टेक होल्डर्स या हमारे क्लाइंट uh, है उसके पास एप्लीकेशन uh, और वेबसाइट जाएगा तो वो जब एक्सेप्ट करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच होता है या नहीं वो वो स्मूथली यूज कर सकते हैं या नहीं वो हमें पता चलेगा यूजर एक्सेप्टेंसी में तो नाम ही उसका यूजर एक्सेप्टेंसी है तो उस हिसाब से हमें पता चल जाए परफॉर्मेंस

तो इसमें क्या करेंगे हम सिक्योरिटी टेस्टिंग में कभी हमें कहा मेल ऐड करना है मेल एड्रेस डालना है या क्रेडेंशियल डालने हैं तो सॉफ्टवेयर में हम मेल एड्रेस और क्रेडेंशियल डालते हैं तो वो किसी और पेज पे या कहीं पे शो नहीं हो रहे है या किसी के पास नहीं पहुंच रहे वो हमें ध्यान रखना है सिक्योरिटी टेस्टिंग में सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं तभी क्लाइंट का जो प्राइवेट डेटा है या उसके मेल आईडी क्रेडेंशियल वो सारी चीजों को सिक्योर uh, करने के लिए सिक्योरिटी टेस्टिंग हम कर सकते हैं कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग क्या है वो भी मैंने आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग को बताया वैसा सिमिलर है थोड़ा बहुत अलग है तो कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग में हम कंपेयर करते हैं टेस्टिंग uh, को कि भाई इतने टाइम में इतना ये सब हो गया टेस्ट तो अब कितना बाकी है अब क्या हम एडिशन कर सकते हैं क्या नहीं फिर है यूजिबिलिटी टेस्टिंग यूजबिलिटी टेस्टिंग में क्या है कि हम जब क्लाइंट uh, या कोई यूजर से उसको देते हैं यूज करने के लिए तब उस टाइम क्लाइंट और यूजर इजिली यूज कर सकते हैं या नहीं कि उसको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है वो चेक करेंगे यूजिबिलिटी टेस्टिंग में और इसके बाद में है इंस्टॉलेशन टेस्टिंग इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में हम ये टेस्ट करेंगे कि इंस्टॉलेशन प्रपरली हो रहा है या नहीं कई बार ऐसा होता है कि हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते है तो इंस्टॉल प्रोपरली हो पाता नहीं है और उसके इंस्टॉल uh, हो पाया तो उसके कोई कोई फीचर वर्क नहीं करते है तो ये सब हम देखेंगे इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में देन आफ्टर स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग है स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग एक हाई लेवल कंपनी लेवल का टेस्टिंग है इसमें हम आगे नहीं जाएंगे पर ये एक डिटेल टेस्टिंग है जो एकदम बग फ्री होना चाहिए इसमें एक भी बग बच बचना नहीं चाहिए और एक भी कोड एरर या कुछ भी नहीं आना चाहिए एकदम प्रॉपर टेस्टिंग करना होता है स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग में थैंक यू